गाइस, मैं हूं जेनी, आपकी इंग्लिश ट्रेनर, और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। दोस्तों, आज मैं हाजिर हुई हूं 20 अलग अलग पोलाइट इंग्लिश फ्रेजेस के साथ, जो आप ऑफिस में, कॉलेज में रेगुलरली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्मली या इनफॉर्मली। अधिकतर ऐसे फ्रेजेस होंगे जो फॉर्मली काम आएंगे। ये फ्रेजेस आपको आपके ऑफिस में, या फिर आप कॉलेज में हो, या फिर अगर आपको बस अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी हो, तो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो आपको ये लेसन शुरू से लेकर अंत तक के देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेसन। तो सबसे पहला है कुड यू प्लीज़। कुड यू प्लीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेज होता है पोलाइटली इंग्लिश बोलने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, Could you please send me the report? Could you please send me the report? यानी कि क्या please तुम वो report send कर सकते हो, भेज सकते हो? तो देखिए, काफ़ी अच्छा लगता है rather than saying please send the report या send the report, वो काफ़ी impolite way हो जाता है, right? दूसरा phrase है Would you mind not smoking in this room, please? इसका मतलब होता है, क्या आप इस कमरे में स्मोक नहीं करेंगे प्लीज़। देखिए कितना पोलाइट तरीका है, राइट? अगर आप किसी को बोलेंगे यहाँ स्मोक मत करो, डू नॉट स्मोक हियर, कितना इम्पोलाइट लगता है। तो दोस्तों, ध्यान रहे, कुड और वुड बहुत ही पोलाइट तरीके हैं बात करने के लिए। तीसरा है टेक अ सीट प्लीज़, या फिर हैव अ सीट प्लीज़। ये आप तब बोल सकते हैं जब सपोज आपके घर पर कोई आया है और आप उन्हें बैठने बोल रहे हैं। तो अगर आप उन्हें बोलेंगे सिट डाउन, काफ़ी इम्पोलाइट लगता है, राइट? काफ़ी रूड सा साउंड करता है कि बैठ जाओ। उसकी जगह आप बोल सकते हैं टेक अ सीट प्लीज़, हैव अ सीट प्लीज़। या फिर आप ऑफिस में हैं और आप आपके कोलीग के पास जा रहे हैं, उनके वर्क स्टेशन के पास जा रहे हैं, आपके पास कोई आया है, तभी भी आप उन्हें इस तरह से बोल सकते हैं कि हैव अ सीट प्लीज़, टेक अ सीट प्लीज़। ठीक है, तो सिट डाउन मत बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैन वी टॉक अ लिटिल लेटर। कैन वी टॉक अ लिटिल लेटर, मान लीजिए आप काम में बहुत बिजी हैं, या फिर आप घर पे हैं और कोई काम कर रहे हैं और आपको फोन आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं कैन वी टॉक अ लिटिल लेटर, है ना? फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों जगह पर बोल सकते हैं, जब आपको ये बताना हो कि आप बिजी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डू यू माइंड इफ आई टेक योर बिजनेस कार्ड। डू यू माइंड इफ आई टेक योर बिजनेस कार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप किसी बिजनेस में हैं, या जब आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, या कहीं पर भी काम कर रहे हैं, और बिजनेस कार्ड्स हमें यूज़ आते हैं जब हमें किसी से कॉन्टैक्ट करना होता है, उनकी ईमेल आईडी रहती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर रहते हैं, राइट? तो ये बोलने की जगह कि आप अपना बिजनेस कार्ड देंगे, कितना ख़राब लगता है, उसके जगह पर आप बोल सकते हैं डू यू माइंड इफ़ आई टेक योर बिजनेस कार्ड। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल। लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल, यानी कि मुझे आप अपडेट कर देना, या मुझे बता देना जब भी आप फ्री होंगे, है ना? तो इम्पोलाइट वे में कैसे बोल देते हैं लोग, टेल मी व्हेन यू आर अवेलेबल, टेल मी व्हेन यू आर अवेलेबल। ऐसा लगता है कि आप किसी को कमांड कर रहे हैं, है ना? लेकिन ये जो फ्रेज मैंने आपको सिखाया है, इससे काफ़ी पोलाइट लगता है, लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल। अगर आपको किसी के घर जाना हो, या आपको किसी से बात करनी हो, तब आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बाय एनी चांस। बाय एनी चांस यानी कि किसी संयोग से, मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपको पेन नहीं मिल रही, और आपको किसी से पूछना है कि अरे यार, किसी भी संयोग से, कैसे भी करके तुम्हारे पास एक पेन है क्या, क्योंकि आपके पास नहीं है, तो आप बोल सकते हैं डू यू हैव बाय एनी चांस अ पेन विथ यू। कितना पोलाइट लगता है और कितना अच्छा लगता है, राइट? यहाँ पर आप किसी से मांग रहे हैं तो शायद वो आपको दे दें, और अगर आपने इम्पोलाइट तरीके से बोला, तो अगर उसके पास होगा भी ना, तो भी वो शायद आपको ना दे। तो क्या बोलना है, डू यू हैव बाय एनी चांस अ पेन विथ यू, या फिर एन एक्स्ट्रा पेन विथ यू। समझ में आया? काफ़ी सिंपल फ्रेजेस हैं, ध्यान से सुनिए। अगला है
I would appreciate यानि कि सराहना करना. I would appreciate your input on this यानि कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपना इनपुट इस काम में देंगे यार, आप अपनी सोच या अपना टाइम इस काम के लिए देंगे. या फिर I don't want everyone to know, so if you could keep it to yourself, I would appreciate. यानी कि मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ सबको पता चले, तो अगर आप अपने पास ही रखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. I would appreciate. Next देखते हैं. Could you repeat that please? Repeat का मतलब आपको पता है दोहराना. ये मोस्टली आप फ़ोन कॉन्वर्जेशन में या फिर अगर आप मीटिंग में हैं और कोई पॉइंट डिस्कस हो रहा है और आपसे कुछ मिस हो गया, तब आप इस फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, है ना. और ये मत बोल दीजिएगा व्हाट डिड यू से. काफ़ी इम्पोलाइट तरीका है, बिल्कुल मत बोलिएगा, बहुत ख़राब लगता है, इम्प्रेशन पूरी तरीके से डाउन हो जाएगी. तो क्या बोलना है, कुड यू रिपीट दैट प्लीज. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है आई डोंट थिंक दैट्स सच अ गुड आइडिया. अब हो सकता है यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन चल रहा हो और आपको किसी का पॉइंट या आइडिया पसंद ना आया हो, लेकिन मुंह पर ऐसे बोल देना दैट्स अ बैड आइडिया काफ़ी गलत लगता है, काफ़ी इम्पोलाइट लगता है. तब आप इस तरीके से बोल सकते हैं आई डोंट थिंक दैट्स सच अ गुड आइडिया. तो ये थोड़ा बेहतर तरीका है बोलने का, राइट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. यहाँ पर ये हो सकता है कि हो सकता है कॉलेज में या फिर आप किसी प्रोजेक्ट में हैं और कोई डिस्कशन चल रहा है और एक पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, है ना. तो आप इस तरह बोलेंगे आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. आप ये नहीं बोलेंगे कि यू डिडंट एक्सप्लेन दिस पॉइंट. ये ऐसा लगता है कि आप ब्लेम कर रहे हैं टीचर पर या तो फिर अपने बॉस पर या फिर अपने मैनेजर पर, ये गलत लगता है. तो आप बोलेंगे आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है कैन यू होल्ड प्लीज. क्या आप होल्ड करेंगे. अब ये सिर्फ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में होता है जब आप फ़ोन पर हैं और आपको किसी को रुकने के लिए कहना है, होल्ड पर रहने के लिए कहना है, तब आप बोलेंगे कैन यू होल्ड प्लीज़. मैंने कई लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि वेट. बहुत ही इम्पोलाइट तरीका है. अगर आपको ऐसा लगता होगा कि वेट तो इंग्लिश है जेनी मैम, तो हमने तो सही बोला है, लेकिन नहीं, वो गलत हो जाता है. आपको इस तरीके से बोलना है कैन यू होल्ड प्लीज़. ऑल राइट चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट है वॉट इफ यानी कि आप कोई सजेशन दे रहे हैं, राइट. मान लीजिए कि आपकी कोई मीटिंग है लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि क्या हम ये मीटिंग पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत दूर रह रहे हैं और आपका आना मुश्किल हो रहा हो. तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे वॉट इफ़ वी पोस्टपोन द मीटिंग रैदर दैन कहे कि मैं मीटिंग में नहीं आ रहा, आई एम नॉट कमिंग इन द मीटिंग, है ना. ये बहुत गलत लगता है, ये ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं कर रहे हैं. तो आप बोल सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि वॉट इफ़ वी पोस्टपोन द मीटिंग. ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं. आई एम नॉट वेरी फॉन्ड का मतलब होता है प्रिय. I am not very fond of यानी कि मुझे यह चीज़ इतनी भी प्रिय नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दिस सॉन्ग. तो आपको अगर कोई सॉन्ग पसंद ना हो तो आप ऐसे मत बोलिएगा आई हेट दिस सॉन्ग. काफ़ी इम्पोलाइट तरीका है बोलने का. आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दिस सॉन्ग सही तरीका है. एक और एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स. तो ऐसे मत बोलिएगा आई हेट स्वीट्स, या मुझे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद, ऐसा मत बोलिएगा. आप बोल सकते हैं आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स. तो जो भी चीज़ आपको इतनी प्रिय नहीं होती, वो आप किसी को मुंह पे ना बोलने की जगह इस तरह से बोल सकते हैं, काफ़ी पोलाइट लगता है.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी के घर गए हैं या फिर आपको कोई चाय या कॉफ़ी के लिए पूछ रहा है, ठीक है, ऑफिस में ही है और आपको बोल रहा है कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, तो आप कैसे बोलते हैं? आप ऐसे बोलते हैं आई वॉन्ट अ कॉफ़ी। गलत तरीका है, आप बोलेंगे आई हैव अ कॉफ़ी प्लीज़, आई हैव अ कॉफ़ी प्लीज़, या फिर आई हैव अ टी प्लीज़, है ना। ये थोड़ा सा पोलाइट तरीका है, आई वॉन्ट कॉफ़ी, आई वॉन्ट टी, ये बहुत ही रूड और इम्पोलाइट तरीका हो जाता है, मैंने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना है, तो ऐसा नहीं बोलना है। कुड यू क्लैरिफाई अ लिटिल बिट प्लीज़, कुड यू क्लैरिफाई अ लिटिल बिट प्लीज़। क्लैरिफाई का मतलब होता है स्पष्ट करना। अब मान लीजिए कि ऑफिस में मीटिंग चल रही है और या तो फिर कोई सेमिनार चल रहा है और उसके बाद यू नो वो फीडबैक सेशन होता है या तो फिर टीम मीटिंग्स होती हैं और आपको हो सकता है कि कुछ समझ में ना आया हो या तो फिर आपको क्लैरिफाइड करवाना हो अपने मैनेजर से, तो आप बोल सकते हैं कि क्या आप वो पॉइंट स्पष्ट कर सकते हैं क्या, है ना। तो ये काफ़ी पोलाइट तरीका है रैदर दैन सेइंग why is that, ये भी मैंने बोलते हुए सुना है, तो ये बहुत गलत है। आप बोलेंगे could you clarify a little bit please, तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। alright, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मान लीजिए कि आपका फ़ोन नहीं चल रहा, अरे बाप रे, तो बहुत मुश्किल की बात हो गई, और आप ऑफिस में हैं या तो फिर आप बाहर हैं, किसी दोस्त के साथ हैं या फिर अपने बॉस के साथ हैं और आपको उनका फ़ोन इस्तेमाल करना है, तो आप कैसे बोलेंगे? आपको बोलना है आई वंडर इफ़ आई माइट यूज़ योर फ़ोन, आई वंडर इफ़ आई माइट यूज़ योर फ़ोन। काफ़ी पोलाइट तरीका है बोलने का, ना कि आप ऐसा ना बोलें कि आई वॉन्ट योर फ़ोन, आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल, काफ़ी रूड, काफ़ी इम्पोलाइट तरीका हो जाता है, तो आप बोलेंगे आई वंडर इफ़ आई माइट यूज़ योर फ़ोन। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर करना है तो आप कैसे करते हैं, लेकिन समझ लीजिए आप ऑलरेडी खाना खा रहे हैं, किसी के घर पे हैं या तो फिर बाहर हैं और आपको भूख लगी है और आपको एक और कुछ चाहिए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको, आप बर्गर खा रहे हैं और आपको एक और बर्गर खाना है, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे एक और बर्गर दो? नहीं, आप बोलेंगे आई'ड लाइक अनदर बर्गर, आई'ड लाइक अनदर बर्गर, आई वॉन्ट अनदर बर्गर, नहीं बोलना है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन, मान लीजिए कि आपसे कुछ छोटी सी ही सही पर कुछ भूल हो गई हो, है ना, और या तो फिर सामने वाले से कोई मिस्टेक हो गई हो, लेकिन आपको उनको मुंह पे ऐसे नहीं बोलना कि यू आर रॉन्ग या तुम गलत हो, तब आप कैसे पोलाइट तरीके से बोल सकते हैं? आप ऐसे बोलेंगे आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन, मुझे लगता है कि शायद इसमें कोई गलती है या आपसे कोई भूल हो गई है। ओके, चलिए आखिरी फ्रेज देखते हैं, आखिरी है, कैन आई से समथिंग हियर प्लीज, कैन आई से समथिंग हियर प्लीज। मान लीजिए कि कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है और आपको अपना पॉइंट रखना है, तो आप एकदम से बीच में बोलने की बजाय आप ऐसे बोल सकते हैं कि कैन आई से समथिंग हियर प्लीज़, और आप अपना पॉइंट बता सकते हैं, है ना। कई बार ऐसे भी लोग बोल देते हैं कैन आई से समथिंग, कैन आई से समथिंग, ये बहुत इम्पोलाइट तरीका हो जाता है। आप बोलेंगे मैम कैन तो यूज़ किया हुआ है, तो कैन आई से समथिंग तो सही होना चाहिए। नहीं, जैसे मैंने बताया था, प्लीज़, कुड, वुड, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये काफ़ी आपकी फ्रेजेस को पोलाइट बनाते हैं, तो अगर आप जितना उसका यूज़ करेंगे उतना ही सही रखता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 20 अलग अलग पोलाइट इंग्लिश फ्रेजेस जो आपको बहुत काम आएंगे, चाहे वो आप ऑफिस में काम कर रहे हों, आप अपना बिजनेस रन कर रहे हों, ना कर रहे हों, रेगुलर लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगी कि आपका फेवरेट वाला फ्रेज कौन सा था। मैं जल्द मिलूंगी किसी और दिलचस्प लेसन के साथ। टिल देन, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर, बाय।